क्वेश्चन नंबर 63 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ये 4 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ये भी 4 है। हम जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस डिनोमिनेटर पार्ट के ब्रैकेट को यदि ओपन करें तो हम लिख सकते हैं x टू द पावर 4 देन प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो ये बन गया 7x स्क्वायर, और फिर 4 इंटू 3 12, और इसे डिवाइड करना है इस पूरे को। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कीजिए तो हम लिख सकते हैं x टू द पावर 4 देन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो बन गया 3x स्क्वायर, और फिर 2 इंटू 1 2। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म x टू द पावर 4 है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म x टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे आएगा 1। अब 1 से इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कीजिए तो x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। अब इस पूरे को सब्सट्रैक्ट करना है इससे, तो यहाँ नीचे के साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर देन 2 माइनस 12 माइनस 10, इतना क्लियर। तो यहाँ पे इस पूरे को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सबसे पहले ये कोसेंट पार्ट लिखिए देन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। तो रिमाइंडर से यदि दोनों टर्म से माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ ऊपर बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10 और अपॉन डिवीजर, और इस पूरे प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 4, तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं और 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं और फिर सेकेंड मेथड जो इससे भी आसान होगा वो भी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन इस पूरे फ्रैक्शन के प्लेस पे हम लिख सकते हैं लेट 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू, अब यहाँ डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है अगेन क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, इतना क्लियर। नाउ अब इस लेफ्ट पार्ट को एज इट इज लिख दीजिए, और यहां नीचे इन दोनों का एलसीएम ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऊपर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 देन प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। नाउ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल गेट कैंसिल, यहां से एक इक्वेशन मिल रहा है, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। अब यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 रखें या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 रखें, इन दोनों ही से x की कोई रियल वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x की कोई ऐसी रियल वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते जिससे डायरेक्टली ए बी सी डी फाइंड किया जा सके। तो यहाँ पे सिंपली फर्स्ट इक्वेशन के ब्रैकेट को खोल देना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब देन प्लस बी एक्स स्क्वायर देन प्लस 4 ए एक्स देन प्लस 4 बी देन प्लस सी एक्स क्यूब
प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स एंड प्लस थ्री डी। अब इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स कीजिए, तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस सी इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड में किसी भी टर्म में एक्स क्यूब नहीं है तो कोफिशियंट बनेगा जीरो। लेट्स से इक्वेशन नंबर टू। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो बी प्लस डी इक्वल्स टू, यहाँ एक्स स्क्वायर है, कोफिशियंट फोर है, तो इक्वल्स टू फोर। लेट्स से इक्वेशन नंबर थ्री। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फोर ए प्लस थ्री सी इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड में किसी भी टर्म में एक्स नहीं है तो कोफिशियंट जीरो। लेट्स से इक्वेशन नंबर फोर। देन ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कि एक्स की पावर जीरो का कोफिशियंट, और ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो फोर बी प्लस थ्री डी इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म टेन है तो इक्वल्स टू टेन। लेट्स से इक्वेशन नंबर फाइव। अब सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन चार इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए बी सी डी फाइंड करना है। तो यहाँ से यदि हम सेकेंड इक्वेशन को यूज करें, तो फ्रॉम इक्वेशन टू वी कैन राइट ए इक्वल्स टू माइनस सी। इतना क्लियर? अब इसको यदि हम इक्वेशन नंबर फोर में पुट कर दें, तो यहाँ पे है फोर ए, तो ए के प्लेस पे माइनस सी रखना है, ये बन जाएगा माइनस फोर सी प्लस थ्री सी इक्वल्स टू जीरो, तो माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि सी इक्वल्स टू जीरो आ गया। और यहाँ पे एक रिलेशन ऑलरेडी था हमारे पास ए इक्वल्स टू माइनस सी, तो ए इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस जीरो, यानी कि जीरो। ए और सी फाइंड हो गया। अब यदि हम थर्ड इक्वेशन को यूज करें, तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री वी कैन राइट बी इक्वल्स टू फोर माइनस डी। तो ये एक रिलेशन मिल गया। अब इसको इक्वेशन नंबर फाइव में पुट कर दीजिए, तो फोर बी, बी के प्लेस पे फोर माइनस डी, देन प्लस थ्री डी इक्वल्स टू टेन, तो यहाँ से बन गया सिक्सटीन माइनस फोर डी प्लस थ्री डी इक्वल्स टू टेन। माइनस फोर डी प्लस थ्री डी माइनस डी इक्वल्स टू टेन माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्स, तो यहाँ से डी इक्वल्स टू आ गया सिक्स। अब इसको यदि हम इस रिलेशन में रख दे, तो बी आ जाएगा, तो बी इक्वल्स टू फोर माइनस सिक्स माइनस टू, तो ए बी सी डी मिल गया। अब इस पूरे के प्लेस पे ये आया था, और यहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया, और इसके प्लेस पे हमने ये अज्यूम किया, तो यहाँ से इस पूरे को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन देन माइनस, और इस पूरे के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी, तो जीरो एक्स तो जीरो हो गया, और प्लस बी तो जीरो माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। इतना क्लियर? देन प्लस सी एक्स प्लस डी, तो जीरो एक्स तो जीरो हो गया, जीरो प्लस सिक्स सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और फिर डी एक्स। इतने प्लेस पे हमने ये लिख दिया, ए बी सी डी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। इतना क्लियर? नाउ अब इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन अगर दोनों टर्म में कर दे, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा। इतना क्लियर? अब यहाँ पे थ्री है, तो थ्री को हम लिख सकते हैं रूट थ्री का स्क्वायर, और फोर को हम लिख सकते हैं टू का स्क्वायर। अब इंटीग्रेट कीजिए, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स, देन टू कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ फॉर्म बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और इतने का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। तो इसको सिंपली यूज कीजिए, तो वन अपॉन ए, ये क्लियर,
टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन रूट थ्री, ए के प्लेस पे रूट थ्री लिख दीजिए। देन यहाँ से माइनस सिक्स कॉन्स्टेंट है बाहर, यहाँ पे अगेन इसको यूज कीजिए तो वन अपॉन ए, तो वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन टू और प्लस कॉन्स्टेंट सिक्स अपॉन टू, ये बन गया थ्री। तो ये जो है रिक्वायर्ड आंसर बने। सेकेंड मेथड जो है वो यहाँ पे इस फ्रैक्शन को और इजी बना सकते हैं हम कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यदि हम एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी रख दें तो यहाँ पे इस पूरे फ्रैक्शन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, फोर टी प्लस टेन अपॉन टी प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर, और यहां पे भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया जा सकते हैं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वन, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर टू। तो अब अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन इस पूरे फ्रैक्शन के प्लेस पे हम लिख सकते हैं, देखिए नीचे यहां पे एक लीनियर फैक्टर है तो लिख दीजिए ए अपॉन टी प्लस थ्री, देन यहां अगेन एक लीनियर फैक्टर है तो बी अपॉन टी प्लस फोर। अब इस लेफ्ट पार्ट को एज इट इज लिख दीजिए, और यहां नीचे इन दोनों के एलसीएम टी प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर बनेगा, और ऊपर हम लिख सकते ए इंटू टी प्लस फोर देन प्लस बी इंटू टी प्लस थ्री। इतना क्लियर? दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल गेट कैंसिल, यहां से एक इक्वेशन मिल रहा है, लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। अब यदि हम फर्स्ट इक्वेशन में टी के प्लेस पे माइनस थ्री रख दें तो ए मिल जाएगा, पुट टी इक्वल्स टू माइनस थ्री इन इक्वेशन वन। तो टी के प्लेस पे माइनस थ्री रखने से ये पूरा जीरो, माइनस थ्री प्लस फोर वन इंटू ए, ए इक्वल्स टू माइनस थ्री रखना है तो ये बन गया फोर इंटू माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व और प्लस टेन, तो माइनस ट्वेल्व प्लस टेन माइनस टू, तो ए यहां से आ गया माइनस टू। अब यदि हम t के प्लेस पे माइनस फोर रख दें तो b मिल जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में t के प्लेस पे माइनस फोर पुट कर दीजिए तो ये पूरा जीरो, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन इंटू बी माइनस बी इक्वल्स टू माइनस सिक्सटीन प्लस टेन माइनस सिक्स, तो b यहां से आ गया सिक्स ना। तो अब इस पूरे प्लेस पे हमने ये माना था, यहां पे इस पूरे को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन देन माइनस, और इस पूरे प्लेस पे ए अपॉन टी प्लस थ्री, तो माइनस टू अपॉन टी प्लस थ्री देन प्लस बी अपॉन टी प्लस फोर, तो प्लस सिक्स अपॉन टी प्लस फोर, और फिर यहां पे डीएक्स, ये क्लियर। अब यहां पे इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहां पे है टी, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हमने टी रखा था, टी के प्लेस पे यहां लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, तो यहां पे ये माइनस माइनस प्लस बनेगा और ये माइनस प्लस माइनस बन गया। इतना क्लियर? देखिए यही चीज आ गया, इसके बाद ये इंटीग्रेशन है। 64th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स टू द पावर फोर प्लस थ्री होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। अब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर फोर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सिक्स, पार्शियल फ्रैक्शन तो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ अगर हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर है ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, देन यहाँ अगेन एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, अगेन क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो ई एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। इस पूरे फ्रैक्शन को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ ये सारी चीज़ें फाइंड करनी होंगी, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी जा सकता है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी रख दें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे अब इस पूरे फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं फोर टी स्क्वायर
प्लस थ्री अपॉन टी प्लस टू इंटू टी प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर। अब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर टू, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर थ्री, अभी भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन इस पूरे फ्रैक्शन को हम रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ एक लीनियर फैक्टर है तो ए अपॉन टी प्लस टू, अगेन लीनियर फैक्टर है तो बी अपॉन टी प्लस थ्री, अगेन लीनियर फैक्टर है तो सी अपॉन टी प्लस फोर। अब इस लेफ्ट पार्ट को एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ नीचे इन तीनों ही का एलसीएम टी प्लस टू इंटू टी प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर बनेगा और ऊपर ए इंटू टी प्लस टू अलग कीजिए तो टी प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर बचा, देन प्लस बी इंटू टी प्लस थ्री अलग कीजिए टी प्लस टू इंटू टी प्लस फोर बचा, देन प्लस सी इंटू टी प्लस फोर अलग करने पे टी प्लस टू इंटू टी प्लस थ्री बचा। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल गेट कैंसिल। यहां से एक इक्वेशन मिल रहा है, लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। अब फर्स्ट इक्वेशन में टी के प्लेस पे माइनस टू रखने से ए मिल जाएगा, पुट टी इक्वल्स टू माइनस टू इन इक्वेशन वन। तो यहां पे देखिए ये पूरा पार्ट जीरो, यहां पे ये पूरा पार्ट जीरो, माइनस टू प्लस थ्री वन, माइनस टू प्लस फोर टू, तो टू इंटू ए टू ए इक्वल्स टू माइनस टू का स्क्वायर फोर इंटू फोर सिक्सटीन प्लस थ्री नाइनटीन। ए यहां से आ गया नाइनटीन अपॉन टू, ये क्लियर ना। अब टी के प्लेस पे माइनस थ्री रखने से बी मिलेगा, टी के प्लेस पे माइनस थ्री रखिए तो ये पूरा जीरो, ये पूरा पार्ट जीरो, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, माइनस थ्री प्लस फोर वन, माइनस वन इंटू बी माइनस बी इक्वल्स टू माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स प्लस थ्री थर्टी नाइन। तो बी यहां से आ गया माइनस थर्टी नाइन। अब टी के प्लेस पे माइनस फोर रखिए तो सी आ जाएगा, तो ये जीरो, ये पूरा पार्ट जीरो, माइनस फोर प्लस टू माइनस टू, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन, ये हो गया टू इंटू सी टू सी इक्वल्स टू माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर प्लस थ्री सिक्सटी सेवन। सी यहाँ से आ गया सिक्सटी सेवन अपॉन टू, ये क्लियर ना। अब इस पूरे के प्लेस पे हमने ये माना है तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन टी प्लस टू, तो नाइनटीन अपॉन टू अपॉन टी प्लस टू, एन प्लस बी अपॉन टी प्लस थ्री माइनस थर्टी नाइन अपॉन टी प्लस थ्री, एन प्लस सी अपॉन टी प्लस फोर, और फिर यहां पे डी एक्स है, ये क्लियर। तो यहां पे टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स स्क्वायर से, यहां भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इतना क्लियर। अब टू को हम लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर, थ्री को लिख सकते हैं रूट थ्री का स्क्वायर, फोर को लिख सकते हैं टू का स्क्वायर। अब इन तीनों ही केस में फॉर्म बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का, और इतने का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसको यूज करना है सिंपली, तो नाइनटीन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है बाहर, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, देन माइनस थर्टी नाइन कॉन्स्टेंट है बाहर, देन वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एन सिक्सटी सेवन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है बाहर, एन वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट।
फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं 19 अपॉन 2√2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट टू माइनस 39 अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट थ्री और यहां से 67 अपॉन 4 टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 65 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। अब यहां ऊपर यदि हम माइनस 1 प्लस 1 कर दें तो यहां पे अब इस पूरे को इस प्रकार लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतना क्लियर ना? अब यहां पे एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये क्लियर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, एक्स माइनस 1 कैंसिल, तो ये पूरा बन गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 देन प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। अब एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन इस पूरे फ्रैक्शन के प्लेस पे हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ नीचे एक लीनियर फैक्टर है ए अपॉन एक्स माइनस 1, यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतना क्लियर। अब लेफ्ट पार्ट एज इट इज लिख दीजिए और यहाँ नीचे इन दोनों टर्म का एलसीएम एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा और ऊपर ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। ये क्लियर ना? दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल गेट कैंसिल, यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। अब फर्स्ट इक्वेशन में एक्स के प्लेस पे यदि हम 1 रख दें तो ए आ जाएगा, पुट एक्स इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, तो ये पार्ट 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 इंटू ए 2a इक्वल्स टू 1, तो a आ गया 1 अपॉन 2। ये क्लियर। अब b और c फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन के ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, यहां पे 1 है इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस a फिर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स देन माइनस बी एक्स माइनस सी। ये क्लियर। अब इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स कीजिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ए प्लस बी, लेफ्ट साइड में किसी टर्म में एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशियंट 0, ऐसे इक्वेशन नंबर 2। अब ए आ चुका है, इसको यदि हम सेकेंड में रख दें तो बी मिल जाएगा, b इक्वल्स टू बनेगा माइनस ए यानी कि माइनस हाफ। ये क्लियर। अब यहाँ पे x है यहाँ पे x है तो c माइनस बी, लेफ्ट साइड में कहीं x नहीं है किसी टर्म में तो कोफिशियंट 0, ऐसे इक्वेशन नंबर 3। अब b आ चुका है थर्ड में रख दीजिए c मिल जाएगा तो c इक्वल्स टू b यानी कि माइनस हाफ। ये क्लियर ना? अब इस पूरे प्लेस पे ये आया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 और इतने प्लेस पे हमने ये अज्यूम किया है तो ए अपॉन एक्स माइनस 1 तो 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एन प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स।
ये बन जाएगा ना एक्स प्लस वन एंड वन अपॉन टू अपॉन एक्स माइनस वन, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस हाफ इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर माइनस हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। अब इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2x लाने के लिए ऊपर 2 से इंटू कीजिए तो नीचे भी करना होगा, तो 2 इंटू टू नीचे 4 आ गया। और यहाँ पे फॉर्म बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स का, और इतने का इंटीग्रेशन बनता है लॉग एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसको सिंपली यूज करना है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, देन 1 का इंटीग्रेशन x, हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस वन, देन माइनस वन अपॉन फोर कॉन्स्टेंट है बाहर, इतने का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स एन माइनस हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये जो है रिक्वायर्ड आंसर बनेगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व डी एक्स। तो यहाँ पे इस पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ फर्स्ट टर्म है एक्स टू द पावर फोर, लास्ट टर्म है माइनस ट्वेल्व, और यहाँ मिडिल टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन रहा है माइनस ट्वेल्व एक्स टू द पावर फोर। तो इस माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, इतना क्लियर। अब फर्स्ट टू टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकते हैं, तो यहाँ से मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और ये लास्ट टू टर्म से थ्री कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब इन दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर माइनस फोर कॉमन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री मिलेगा, इतना क्लियर। तो यहाँ पे इस पूरे को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे यदि हम टी रख दें, यहाँ पे इस पूरे फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं टी अपॉन टी माइनस फोर इंटू टी प्लस थ्री, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वन, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर टू। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन इस पूरे फ्रैक्शन के प्लेस पे हम लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लीनियर फैक्टर है ए अपॉन टी माइनस थ्री, टी माइनस फोर है सॉरी, और फिर एक अगेन लीनियर फैक्टर टी प्लस थ्री प्लस बी अपॉन टी प्लस थ्री, इतना क्लियर। अब ये लेफ्ट पार्ट एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ नीचे इन दोनों टर्म के एलसीएम ये बन जाएगा टी माइनस फोर इंटू टी प्लस थ्री, ऊपर बनेगा ए इंटू टी प्लस थ्री देन प्लस बी इंटू टी माइनस फोर, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल गेट कैंसिल। यहाँ से एक इक्वेशन मिल रहा है, लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। अब टी के प्लेस पे फोर रखने से ए मिलेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में टी के प्लेस पे फोर रखिए, तो ये जीरो, फोर प्लस थ्री सेवन, ए इक्वल्स टू फोर, तो ए आ गया फोर अपॉन सेवन, ये क्लियर। अब टी के प्लेस पे माइनस थ्री रखिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो बी आ जाएगा, ये जीरो, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन बी इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो बी आ गया थ्री अपॉन सेवन, इतना क्लियर। ना इतने प्लेस पे हमने ये माना था, तो यहाँ पे इस पूरे को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन टी माइनस फोर, तो फोर अपॉन सेवन अपॉन टी माइनस फोर, देन प्लस बी थ्री अपॉन सेवन अपॉन टी प्लस थ्री, और यहाँ पे डी एक्स है, तो यहाँ पे टी के प्लेस पे
एक्स स्क्वायर हम रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, फोर को हम लिख सकते हैं टू के स्क्वायर और थ्री को लिख सकते हैं रूट थ्री का स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्म बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का, और इतने का इंटीग्रेशन बनता है वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट। और यहाँ फॉर्म बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इतने का इंटीग्रेशन बनता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसको यूज कीजिए, तो फोर अपॉन सेवन कॉन्स्टेंट है बाहर, यहाँ से वन अपॉन टू ए, तो वन अपॉन टू इंटू टू फोर लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, देन प्लस थ्री अपॉन सेवन कॉन्स्टेंट है बाहर वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस कॉन्स्टेंट। नाउ यहाँ फोर और ये फोर कैंसिल, तो यहाँ से मिल गया वन अपॉन सेवन, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं वन अपॉन सेवन, और यहाँ रूट थ्री से ये थ्री, रूट थ्री टाइम्स में कैंसिल, तो रूट थ्री अपॉन सेवन आ गया। तो यहाँ पे इस पूरे प्लेस पे हम रूट थ्री अपॉन सेवन लिख सकते हैं, तो ये रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स टू द पावर फोर डी एक्स। यहाँ पे इस गिवन इंटीग्रल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ नीचे वन माइनस एक्स टू द पावर फोर, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्लियर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यदि हम एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी रख दें तो ये पूरा फ्रैक्शन बन जाएगा टी अपॉन वन माइनस टी इंटू वन प्लस टी, और यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस पूरे फ्रैक्शन को हम रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर है वन माइनस टी ए अपॉन वन माइनस टी, अगेन लीनियर फैक्टर है वन प्लस टी तो प्लस बी अपॉन वन प्लस टी, इतना क्लियर। अब लेफ्ट पार्ट एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ नीचे इन दोनों का एलसीएम वन माइनस टी इंटू वन प्लस टी बनेगा, ऊपर आ जाएगा a इंटू वन प्लस टी, देन प्लस b इंटू वन माइनस टी, इतना क्लियर। नाउ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल गेट कैंसिल, यहां से एक इक्वेशन मिल रहा है, लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। अब यहां t के प्लेस पे वन रखने से a मिलेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में t के प्लेस पे वन रखिए, तो वन रखने से ये पार्ट जीरो, वन प्लस वन टू इंटू ए टू ए इक्वल्स टू वन, ए आ गया वन अपॉन टू। अब टी के प्लेस पे माइनस वन रखिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो बी मिलेगा, माइनस वन रखने से ये पार्ट जीरो, वन माइनस माइनस वन तो वन प्लस वन टू इंटू बी टू बी इक्वल्स टू माइनस वन, तो बी आ गया माइनस वन अपॉन टू, इतना क्लियर। नाउ तो इसके प्लेस पे हमने ये माना था, और अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन हमने ये लेके आए थे, तो यहाँ पे इस पूरे को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन वन माइनस टी, तो वन अपॉन टू अपॉन वन माइनस टी, देन प्लस बी अपॉन वन प्लस टी तो माइनस हाफ अपॉन वन प्लस टी, और यहाँ है डी एक्स, तो इस टी को रिप्लेस करना होगा फिर से एक्स स्क्वायर से, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्म बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और इतने का इंटीग्रेशन बनता है वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। और यहाँ इतने का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स बनेगा, तो वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है बाहर, वन को हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर, तो वन अपॉन टू ए तो वन अपॉन टू इंटू वन वन अपॉन टू, देन लॉग
ए प्लस एक्स तो वन प्लस एक्स, अपॉन ए माइनस एक्स तो वन माइनस एक्स, देन माइनस हाफ बाहर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हम वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू इसको लिख सकते हैं वन अपॉन फोर, तो ये रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू डी एक्स। यहाँ पे इस डिनोमिनेटर पार्ट को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है माइनस टू एक्स टू द पावर फोर, मिडिल टर्म है एक्स स्क्वायर, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर हम यूज़ करें यहाँ, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर फोर, और एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये माइनस टू। इतना क्लियर? अब फर्स्ट टू टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू आ गया, और लास्ट टू टर्म से माइनस वन कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू आएगा। अब इन दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉमन, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे इस पूरे को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन इतने प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अगेन एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी रखिए, यहाँ पे इस पूरे फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं टी अपॉन टी प्लस टू इंटू टी माइनस वन। इतना क्लियर? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वन, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर टू, तो अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन इस पूरे फ्रैक्शन के प्लेस पे हम लिख सकते हैं यहाँ नीचे लीनियर फैक्टर टी प्लस टू ए अपॉन टी प्लस टू, टी माइनस वन अगेन लीनियर फैक्टर है तो बी अपॉन टी माइनस वन, लेफ्ट पार्ट एज इट इज। यहाँ पे इन दोनों पार्ट का एलसीएम टी प्लस टू इंटू टी माइनस वन, ऊपर बनेगा ए इंटू टी माइनस वन प्लस बी इंटू टी प्लस टू। इतना क्लियर? दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल गेट कैंसिल। यहाँ से एक इक्वेशन मिल रहा है, लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। अब फर्स्ट इक्वेशन में टी के प्लेस पे माइनस टू रखिए, ए मिलेगा। देखिए ये पार्ट जीरो, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री इंटू ए माइनस थ्री ए इक्वल्स टू माइनस टू, ए यहाँ से आ गया टू अपॉन थ्री। ये क्लियर? अब फर्स्ट इक्वेशन में टी के प्लेस पे वन रखिए तो बी मिलेगा, तो वन रखने पे ये पार्ट जीरो, वन प्लस टू थ्री बी इक्वल्स टू वन, बी आ गया वन अपॉन थ्री। ये क्लियर? यहाँ पे इस पूरे प्लेस पे हमने ये माना था, यहाँ पे ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन टी प्लस टू, तो टू अपॉन थ्री अपॉन टी प्लस टू, देन प्लस बी अपॉन टी माइनस वन, तो वन अपॉन थ्री अपॉन टी माइनस वन, और फिर यहाँ डी एक्स है और यहाँ पे टी है, तो टी के रिप्लेस कीजिए एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ टू है, टू को हम लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर, वन को हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्म बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का, और इतने का इंटीग्रेशन बनता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे फॉर्म बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का, और इतने का इंटीग्रेशन बनता है वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो इनको सिंपली यूज करना है, तो देखिए टू अपॉन थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर, अब इतने का इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, तो वन अपॉन ए वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन रूट टू, देन वन अपॉन थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर। यहाँ बन रहा है फॉर्म वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इतने का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन टू ए, वन अपॉन टू इंटू वन टू लॉग एक्स माइनस ए
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस वन और प्लस कॉन्स्टेंट, यहां इतने को हम लिख सकते हैं वन अपॉन सिक्स, और यहां पे ये रूट टू से टू, रूट टू टाइम्स में कैंसिल, तो यहां बन रहा है रूट टू अपॉन थ्री। तो ये जो है रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डीएक्स। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर फोर है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ये भी फोर है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा और इसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस डिनोमिनेटर पार्ट के ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर फोर देन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, बन गया माइनस टू एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस फाइव इंटू थ्री माइनस फिफ्टीन, और इससे डिवाइड करना है इस पूरे को, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर फोर देन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर फाइव एक्स स्क्वायर, और फिर फोर इंटू वन फोर, फर्स्ट टर्म एक्स टू द पावर फोर है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स टू द पावर फोर है, यहाँ पे आ जाएगा वन, और वन इंटू दिस पार्ट एक्स टू द पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन, सब्सट्रैक्ट करने पे नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर सेवन एक्स स्क्वायर, फोर प्लस फिफ्टीन नाइनटीन। तो यहाँ पे इस पूरे को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये कोसेंट पार्ट लिखिए तो वन देन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, तो सेवन एक्स स्क्वायर प्लस नाइनटीन अपॉन, इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डी एक्स। अब यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन तो एक्स बनेगा, अब यहाँ पे यदि हम एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी रख दें तो यहाँ पे इस पूरे फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं सेवन टी प्लस नाइनटीन अपॉन टी प्लस थ्री इंटू टी माइनस फाइव, इतना क्लियर। और यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वन, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर टू, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन इस पूरे फ्रैक्शन को हम रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, यहाँ नीचे एक लीनियर फैक्टर है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ए अपॉन टी प्लस थ्री, अगेन एक लीनियर फैक्टर है तो प्लस बी अपॉन टी माइनस फाइव, इतना क्लियर। नाउ लेफ्ट पार्ट को एज इट इज लिख दीजिए, सेवन टी प्लस नाइनटीन अपॉन टी प्लस थ्री इंटू टी माइनस फाइव इक्वल्स टू, यहाँ नीचे एलसीएम बनेगा टी प्लस थ्री इंटू टी माइनस फाइव, ऊपर बनेगा ए इंटू टी माइनस फाइव देन प्लस बी इंटू टी प्लस थ्री, इतना क्लियर। नाउ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल गेट कैंसिल, यहाँ से एक इक्वेशन मिल रहा है, लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। अब फर्स्ट इक्वेशन में टी के प्लेस पे माइनस थ्री रखने से ए मिलेगा, तो पुट टी इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो ये पार्ट जीरो, माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एट इंटू ए माइनस एट ए इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी वन प्लस नाइनटीन माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल, ए आ गया टू अपॉन एट यानी कि वन अपॉन फोर, क्लियर। अब फर्स्ट इक्वेशन में टी के प्लेस पे फाइव रखिए तो बी मिलेगा, पुट टी इक्वल्स टू फाइव इन इक्वेशन वन, ये पार्ट जीरो, एट बी इक्वल्स टू थर्टी फाइव प्लस नाइनटीन फिफ्टी फोर, तो बी यहाँ से आ गया फिफ्टी फोर अपॉन एट यानी ट्वेंटी सेवन अपॉन फोर, ये क्लियर। नाउ तो यहाँ पे इस पूरे को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन देन प्लस, यहाँ इस पूरे के प्लेस पे हमने ये माना था और यहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया था, तो यहाँ पे इस पूरे के प्लेस पे हम लिख सकते हैं ए अपॉन टी प्लस थ्री, तो वन अपॉन फोर अपॉन टी प्लस थ्री देन प्लस बी अपॉन टी माइनस फाइव,
प्लस 27 अपॉन 4 अपॉन टी माइनस 5, और यहाँ है dx, ये क्लियर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हमने t रखा था, तो इस t को रिप्लेस कर दीजिए एक्स स्क्वायर से, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे है 3, 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर, और यहाँ 5 को हम लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर। अब इंटीग्रेट कीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है बाहर, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, और इतने का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट, तो इसको यूज कीजिए 1 अपॉन ए 1 अपॉन रूट 3 देन टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन रूट 3 देन यहाँ पे 27 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है बाहर, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, और इतने का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 ए 1 अपॉन 2 रूट 5 लॉग एक्स माइनस ए एक्स माइनस रूट 5 अपॉन एक्स प्लस ए तो एक्स प्लस रूट 5 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये आंसर बनेगा। यहाँ पे हम इसको 27 अपॉन 8 रूट 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 अपॉन 4 रूट 3, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है जो कि ऊपर है, तो यहाँ पे हम साइन एक्स के प्लेस पे टी रख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये अपॉन डी एक्स इस साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ ऊपर है कॉस एक्स डी एक्स, इतने प्लेस पे आ जाएगा डी टी, तो यहाँ ऊपर बन गया 2 डी टी अपॉन साइन एक्स के प्लेस पे टी रखना है, तो 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बन गया। अब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 0, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 3, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कीजिए। तो यहाँ पे इस पूरे फ्रैक्शन को हम रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, तो यहाँ पे 1 माइनस टी लीनियर फैक्टर है, तो इसके लिए a अपॉन 1 माइनस टी, देन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो बी टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बन जाएगा ना। अब लेफ्ट पार्ट को एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ नीचे एलसीएम बनेगा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर हम लिख सकते a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर देन प्लस बी टी प्लस सी इंटू 1 माइनस टी, इतना क्लियर। नाउ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल गेट कैंसिल, यहां से एक इक्वेशन मिल रहा है, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। अब फर्स्ट इक्वेशन में t के प्लेस पे 1 रखने से a मिल जाएगा, तो पुट t इक्वल्स टू 1, तो t के प्लेस पे 1 रखने से ये पूरा पार्ट 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 इंटू ए 2 ए इक्वल्स टू 2, तो ए यहाँ से आ गया 2 अपॉन 2 यानी कि 1। अब यहाँ से b और c फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन के ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 इक्वल्स टू बनेगा a प्लस ए टी स्क्वायर देन बी टी प्लस सी देन माइनस बी टी स्क्वायर देन माइनस सी टी, इतना क्लियर। अब इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ लाइक पावर ऑफ t कीजिए, तो यहाँ पे t स्क्वायर है यहाँ पे t स्क्वायर है, तो a माइनस बी इक्वल्स टू लेफ्ट साइड में किसी भी टर्म में t स्क्वायर नहीं है, तो कोफिशियंट 0, फिर से इक्वेशन नंबर 2। अब a आ चुका था 1, तो
ए इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू, तो बी भी आ गया यहाँ से वन, इसको सिंपली सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी माइनस सी इक्वल्स टू लेफ्ट साइड में किसी भी टर्म में टी नहीं है तो कोफिशियंट जीरो, दैट्स इक्वेशन नंबर थ्री। अब ये यदि हम थर्ड इक्वेशन में रख दें तो सी मिलेगा, तो बी इक्वल्स टू यहाँ से हम लिख सकते हैं सी, तो यहाँ से सी इक्वल्स टू बी आ जाएगा वन, तो ए बी सी ये तीनों फाइंड हो गया है। अब इतने प्लेस पे हमने ये लेके आए थे और यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये हमने अज्यूम किया था, तो यहाँ पे इस पूरे को हम लिख सकते हैं ए अपॉन वन माइनस टी, तो वन अपॉन वन माइनस टी, देन प्लस बी टी प्लस सी, तो बी टी वन इंटू टी टी प्लस सी प्लस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे इस पूरे को हम इस प्रकार लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन माइनस टी देन प्लस टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और फिर प्लस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर टी टी। नाउ वन प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है टू टी, यहाँ पे टी है, टू टी लाने के लिए ऊपर टू से इंटू कर दीजिए तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे फॉर्म बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैस टी अपॉन एफ टी डी टी का, और इतने का इंटीग्रेशन बनता है लॉग एफ टी प्लस कॉन्स्टेंट, तो इसको यूज कीजिए। तो देखिए यहाँ पे वन अपॉन वन माइनस टी का इंटीग्रेशन लॉग वन माइनस टी, और वन माइनस टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में माइनस वन, तो अपॉन माइनस वन आएगा, तो यहाँ पीछे माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ से वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है बाहर, वन प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी ऊपर है, तो यहाँ पे इसको यूज कीजिए, तो लॉग एफ टी यहाँ से बन जाएगा लॉग वन प्लस टी स्क्वायर, और फिर वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टी प्लस कॉन्स्टेंट। ना अब टी के प्लेस पे साइन एक्स लिख दीजिए, तो यहाँ से ये बन गया माइनस लॉग वन माइनस साइन एक्स एन प्लस हाफ लॉग वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब हम जानते हैं कि एम लॉग ए टू दी पावर एम होता है, तो ये हाफ ये पावर में आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होता है, तो यहाँ पे इस पूरे को हम लिख सकते हैं लॉग ए तो वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये अंडर रूट में आएगा, और अपॉन लॉग ए अपॉन बी और प्लस टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये जो है रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्लियर?